नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग का अपहरण कर किया सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता की हालत नाजुक। अज्ञात वाहन की टक्कर से पिकअप सवार एक महिला सहित दो की हुई मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर जांच पड़ताल की शुरू। कलकत्ता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में डॉक्टरों ने किया कार्य बहिष्कार, मरीज हुए परेशान, इमरजेंसी में बैठे डॉक्टर। बाइक चुरा कर भाग रहे शातिर चोर का हुआ एक्सीडेंट, पुलिस सुरक्षा में चोर का उपचार जारी। और अब खबरें विस्तार से। हरसौली कस्बे में शनिवार को भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ की बैठक हरसौली तहसील अध्यक्ष सूबेदार मोहन सिंह दहिया के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में हरसौली सहित आसपास के गांव के दर्जनों भूतपूर्व सैनिकों ने बैठक में भाग लिया। इस मौके पर सूबेदार मोहन सिंह, कप्तान रतन सिंह, जीतराम लंबरदार, महावीर झाबुला, धर्मपाल बारेठ, कप्तान धर्म सिंह, कप्तान सुरेश कुमार, सूबेदार अमर सिंह, सूबेदार कमल सिंह, कप्तान इंद्राज, मांगेराम राम नारायण सैनी, परशुराम आदि ने भाग लिया। जूनियर दिल्ली स्कूल हसन खां मेवात नगर अलवर में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। विद्यार्थियों ने सैनिक विश्राम गृह में सैनिकों में बाल सुधार गृह में न्यायाधीश श्रीमती स्वाति पारिक को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन की बधाइयां दी। साथ ही कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर न्याय की गुहार की। विद्यार्थियों व शिक्षिकाओं ने महिला डॉक्टर को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। कृष्ण कुमार धानावत ने बच्चों को रक्षाबंधन का महत्व बताया। इस दिन बहन भाइयों को राखी बांधती है व भाई उन्हें रक्षा करने का वचन देते हैं। प्रधानाध्यापक सोनन गागल ने बताया कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। उन्होंने बच्चों को पौराणिक कथा के माध्यम से बताया, जब श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल का वध किया तब उनकी उंगली से खून बहने लगा, तब द्रौपदी ने उनकी उंगली पर अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी रक्षा करने का वचन दिया। महाभारत के दौरान चीरहरण के समय द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उनकी रक्षा की। तब से श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस प्रोग्राम में शिक्षिकाएं गरिमा, ज्योतिका, हरलीन, ज्योति रानी, कविता, टीना, भूमिका, सुनीता, भावना, चारू मैम मौजूद थे। नमस्कार, मैं सोनल गागल, ऑनर ऑफ जूनियर डेली स्कूल हसन खां मेवात नगर। आज हमारे विद्यालय में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। विद्यार्थियों ने सैनिक विश्राम गृह में सैनिकों को व बाल सुधार गृह में न्यायाधीश मिसेस स्वाति पारिक जी को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन की बधाई दी। साथ ही साथ कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर न्याय की अपील की। विद्यार्थी व शिक्षकों ने महिला डॉक्टर को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ बच्चों को रक्षाबंधन का महत्व बताया गया। हमने बच्चों को रक्षाबंधन से जुड़ी हुई पौराणिक कथा सुनाई, जिसमें श्री कृष्ण जब राष्ट्रीय यज्ञ के दौरान शिशुपाल का वध करते हैं, उनकी उंगली से खून बहने लगता है, तब द्रौपदी अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांधती है। उस समय श्री कृष्ण उनको ये वचन देते हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे। और महाभारत में चीरहरण के दौरान श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा करते हैं, उनकी लाज बचाते हैं और उनको उनका कर्ज सूद समेत वापस करते हैं। तो ये परंपरा हमारी तभी से चली आ रही है और श्रावण मास की पूर्णिमा को ये रक्षाबंधन उसी समय से मनाया जा रहा है। तो हमने बच्चों को मैसेज दिया और ये समझाया कि ये रक्षाबंधन पर्व हमेशा भाई बहन का रक्षा सूत्र के उपलक्ष्य में एक पर्व मनाया जाता है। और साथ में ये मैसेज दिया कि बहन अपने भाई को राखी बांधती है और इसके एवज में भाई उसको वचन देता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। धन्यवाद। हरसौरा थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने बालिका को अचेत अवस्था में महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। बालिका के परिजनों ने बताया कि देर रात दिनेश गुजर और दिनेश के मामा का लड़का कृष्ण बालिका के घर आए और बालिका को उसके घर से अगवा कर जंगल में ले गए और दुष्कर्म किया। परिजनों ने सुबह 5 बजे तक बालिका को ढूंढा, लेकिन बालिका नहीं मिली। उसके बाद पीड़ित परिवार के अज्ञात परिचित ने बालिका के परिजनों को सूचना दी कि बालिका जंगलों में पड़ी हुई है। उसके बाद बालिका के परिजन
तुरंत मौके पर पहुंचे और तो आरोपी अज्ञात वाहन में बालिका को बैठाकर किसी प्राइवेट क्लिनिक में दिखाने के लिए लेकर गए। उस दौरान पीड़ित परिवार को पता लग गया कि बालिका क्लिनिक पर है। उसके बाद पीड़ित परिवार ने बालिका के पास पहुंचे और हरसौरा थाना पुलिस सूचना दी। उसके बाद पुलिस और परिजन जैसे ही प्राइवेट क्लिनिक पर पहुंचे तो बदमाश मौके से फरार हो गए। उसके बाद बालिका से परिजन मिले तो बालिका की हालत बहुत खराब थी और बालिका के हाथ और पैर पर नुकीले काटने के निशान थे और बालिका चेत अवस्था में मिली। बालिका की हालत को देखते हुए उसे महिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां तत्काल बालिका को डॉक्टर ने देखा और भर्ती कर इलाज शुरू किया, लेकिन 4 घंटे बीत जाने के बाद भी बालिका को होश नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुट गई है। इस मामले की सूचना मिलते ही बानसूर पुलिस उपाधीक्षक मौके पर पहुंचे और परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। अभी रात को 11 बजे बच्ची को घर से अगवा करके लीन गए और जिसमें इसका मैन जो है वो दिनेश नाम का लड़का है, उसका गांव माची है और उसके साथ अन्य उसके साथी थे। और जो ये दिनेश माची है, इसके मामा है जयसिंहपुरा छींद में, जो उसका मामा का लड़का है किरसन, उसका भी इसमें हाथ है। फिर उसके बाद में ये बच्ची को पूरी रात वहाँ रखते हैं, फिर सुबह गाँव में ये छोड़ जाते हैं। फिर छोड़ने के बाद में बच्ची को ही ततारपुर चौराहे की तरफ ले आते हैं, जिससे बच्ची बेहोश हालत में हो जाती है। फिर हमने उनका पीछा किया, पीछा करने के बाद में बच्ची ज़्यादा बेहोश अवस्था में थी और फिर वो एक जो दिनेश और दिनेश के साथ जो अन्य थे वो बच्ची को बेहोश की अवस्था में छोड़ के चले गए। फिर हमने डॉक्टर के वहाँ नज़दीक हॉस्पिटल में दिखाया, दिखाने के बाद बच्ची को होश नहीं आया। अब यहाँ पर जनान हॉस्पिटल अलवर में लेकर आए हम, और बच्ची को अभी तक कोई होश नहीं है, उसकी कंडीशन ज़्यादा बेकार है, शरीर पर कुछ निशान भी हैं उसके। ये बात किस अवस्था में मिली थी बच्ची? अवस्था में ऐसी बहुत कंडीशन बेकार थी, अब तक उसको होश नहीं आ रहा, लगभग 3-4 घंटे हो गए। कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? ये दिनेश नाम का लड़का है, दिनेश गुजर है, माची इसका गांव है। कपड़ों पर तो निशान या कुछ? कपड़ों पर भी कुछ निशान है, जैसे मिट्टी के निशान है, जैसे बच्ची को खींचा गया हो झाड़कियों में, और हाथ पर निशान है उसके कुछ काटने उठने के रहते कई हाथ पैरों में। लगभग कितने जने थे वो? लगभग मेरे हिसाब से 2 तो मैन है और उसके साथ अन्य और साथी थे। लड़कों का आना जाना भी रहता था? हाँ, लड़कों का, उस लड़के के मामा है जयसिंहपुरा में, उसका आना जाना रहता था। बच्ची घर से कब गायब हुई थी, अगवा किया गया था या खुद गई थी? बच्ची घर से 11 बजे बच्ची को घर से उठा के ले गया था, और हमें फिर उसके कुछ देर बाद पता लगा तो हमने गांव में आसपास देखा, बच्ची नहीं मिली हमें। कितने बजे तक ढूंढा था आपने? हमने सुबह 5 बजे तक ढूंढे थे। इस प्रकार से पता लगा आपको? हमें इस प्रकार से पता लगा, जो ये दिनेश नाम का लड़का है, इसके मामा है जयसिंहपुरा में, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ से जो इसका मामा का लड़का है किरसन, वो फिर उस लड़के को फ़ोन करता है। जैसे ही वो फ़ोन करता है तो वो उसको ये कहता है कि इसको चौराहे आप छोड़ दो। फिर हम उसका पीछा करते हैं, फिर हमें बच्ची का पता लगता है कि चौराहे की तरफ वो गई हुई है। बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र लगभग 14 साल है। और ये चौराहे पर कौन लेके गए थे इसको, बच्ची को? चौराहे पर वो दिनेश, मैन तो दिनेश है और उसके साथ अन्य साथी भी होंगे, उसका मुझे पता नहीं है। दिनेश को पहले भी कोई धमकी या कोई ऐसी? हाँ, दिनेश ने, जो दिनेश गुजर है ये, इसने काफ़ी बार हमारे परिवार के सभी फोनों पर धमकी दी है, मारने की भी धमकी दी है, उठाने की भी धमकी दी है। जो ये बच्ची है इसको भी धमकी दी है कि अगर तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी तो मैं सबको मार दूंगा, मैं डॉन हूँ, ये हूँ, जो भी कोई बात है। अभी मुकदमा दर्ज करवा दिया आपने? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मेवात शिक्षा एवं विकास संस्थान एमिट किशोरी बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 17 अगस्त को किशोरी बालिका शिक्षा केंद्र का संचालन किया गया। गांव सिरोली, कला मिलकपुर तुर्क, निम्बा हेडी, चावड़ी, कला सलारपुर, बालियाबाश बालिका शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें गाँव में शिक्षा से वंचित बालिकाएं अध्ययनरत होंगी। संस्था सचिव नूर मोहम्मद ने बताया कि जिन गाँवों में बालिकाओं ने पढ़ाई छोड़ रखी है उनको किशोरी बालिका शिक्षा केंद्र पर आकर पढ़ाई करनी है और उनका ओपन से 10वीं और 12वीं का फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज टीसी, मार्कशीट, जन आधार कार्ड, बैंक के पासबुक फोटो, 14 वर्ष की आयु पूर्ण होना अनिवार्य है। कार्यक्रम समन्वयक जगत सिंह ने बताया कि बालिका शिक्षा केंद्र पर ओपन के फॉर्म भरने वाली बालिकाओं के लिए एमिट संस्था द्वारा बालिकाओं का सहयोग किया जा रहा है। आप किसी भी ई मित्र पर जाकर SSO ID के माध्यम से केंद्र पर एमिट संस्था द्वारा शिक्षा मित्र को भी नियमित बढ़ाने के लिए लगाया गया है। आप किसी भी ई मित्र पर जाकर SSO ID के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं और बालिका शिक्षा केंद्र पर एमिट संस्था द्वारा शिक्षा मित्र को भी नियमित बढ़ाने के लिए लगाया गया है। ओपन के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। बिना शुल्क के बालिका शिक्षा केंद्र उद्घाटन में जगत सिंह, रुखसाना, मनीष कुमार, मुफीद, तालीम, सुषमा, रूकी, सुबेखान अपनी भागीदारी निभाई।
सरिस्का अभ्यारण्य प्रशासन ने ज्यादा बारिश के कारण खराब हुई सड़क की वजह से शनिवार को पांडुपोल जाने पर रोक लगाई है। इस बार पांडुपोल के साथ बाला किला व प्रतापवन जाने पर भी रोक लगाई है। 19 अगस्त तक यहां नहीं जा सकेंगे, जिसके कारण टूरिस्ट को परेशानियां हो सकती हैं। सरिस्का के पांडुपोल, बाला किला, प्रतापवन में अधिक बारिश के कारण रोड टूट गया है। कई जगह पेड़ भी गिर गए हैं। अधिक बारिश होने का अलर्ट है। अधिक पानी आया तो हादसा होने का भय है। नहीं, अभी मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान सर ने अभी 19 अगस्त तक सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफारी का संचालन बंद किया है। और पहले सरिस्का गेट से पांडुपोल मंदिर तक और ट्रैला गेट से पांडुपोल मंदिर तक और बाला किला वफर क्षेत्र के लिए सफारी की अनुमति थी, लेकिन अभी 19 भारी वर्षा होने के कारण, रास्ते टूट फूट होने के कारण, कुछ दीवारें, कुछ पानी के स्ट्रक्चर्स क्षतिग्रस्त होने के कारण सफारी का संचालन और आवागमन 19 अगस्त तक प्रतिबंधित किया हुआ है। इसी क्रम में मंगलवार और शनिवार को पांडुपोल मंदिर दर्शनार्थी श्रद्धालु आते हैं तो उनकी कोई असुविधा नहीं हो, इस तरह से वाहन खराब नहीं हो, रास्ते में जो नदी नालों में कहीं नहीं फंसे, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो, इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए कल शनिवार को पांडुपोल मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए मंदिर बंद रहेगा। हाँ, बाला किला जोन भी बंद किया गया है। यहाँ भी कुछ दीवारें क्षतिग्रस्त हैं, बीच में सड़क भी कुछ जगहों से भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो अभी वर्षा चल रही है तो ऐसी संभावना के मद्देनज़र किसी भी पर्यटक या श्रद्धालु की हम जान जोखिम में नहीं डाल सकते। इसी संभावना को रखते हुए इसको सफारी को एवं आवागमन को बंद किया गया। 19 अगस्त तक बाला किला और सरिस्का क्षेत्र बंद रहे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। UCS केम पब्लिक स्कूल में नन्हे बच्चों ने अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें 1000 में मेरी बहना है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना जैसे गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया गया एवं बहनों द्वारा भाइयों को राखी बांधकर इस परंपरा का निर्वाह किया गया। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा व समृद्धि हेतु विद्यालय में रुद्र पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय समूह ने सभी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की कामना की। अंत में विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने विद्यालय परिवार को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाले हैं हमारे भारतीय पर्व। विद्यालय का कर्तव्य है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों में यह संस्कार विकसित करते रहें एवं बहनों की रक्षा का दायित्व सिखाते रहें। प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती अंजना कौशिक एवं उप प्राचार्य श्रीमती भावना तंवर ने बच्चों को रक्षाबंधन की पूर्व बधाइयां दी। DIIA का प्रतिनिधि मंडल आज सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिला। प्रतिनिधि मंडल में शामिल हरिराम शर्मा, प्रवीण लांबा, हरीश गौड़, ब्रजबिहारी कौशिक, विपिन चौधरी व ब्रजमोहन अग्रवाल ने DMRC फ्रेट कॉरिडोर के स्टेशन की भिवाड़ी में स्थापना करने, भिवाड़ी को ग्रैप के क्षेत्राधिकार से बाहर करने, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भिवाड़ी के आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों की सीधी कनेक्टिविटी करने, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास कार्यक्रम में बीड़ा को अधिक प्रभावी बनाने, भिवाड़ी को पीने के पानी के लिए बनी ERCP योजना से जोड़ने, भिवाड़ी से निकलने वाले जल का स्थायी समाधान कराने, ठोस व हानिकारक कचरे का निस्तारण कराने, ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना करने और स्टाम्प ड्यूटी में छूट, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था, विद्युत विभाग से संबंधित, स्वच्छ भारत मिशन, टोल का स्थानांतरण, महिला हॉस्टल की स्थापना करने, NCERT तकनीकी शिक्षा आदि पर मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा की गई। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अध्यक्ष प्रवीण लामा ने बताया कि इन सभी बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी समस्याओं को समझकर संबंधित अधिकारियों को फोन पर बताया और भिवाड़ी टीम भेजकर जल्दी समस्याओं का समाधान करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार से भी जल भराव की समस्या का समाधान किया जा रहा है। कठमर के टिटपुरी निवासी भागचंद जैन ने गृहस्थ जीवन त्याग कर जैन आचार्य वसुनंदी महाराज सानिध्य में शुक्रवार को ब्रह्मचारी सहज प्रकाश के रूप में फिरोजाबाद यूपी समारोह में विधि पूर्वक केश लोच कराया है। इधर कठमर जैन समाज ने उनके पुण्य की बार बार अनुमोदना की है। वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चातुर्मास कर रहे आचार्य वसुनंदी महाराज संसंघ की ओर से ब्रह्मचारी सहज प्रकाश का केस लोच हुआ। उल्लेखनीय है कि कठुमर के टिटपुरी निवासी भागचंद जैन ने सितंबर 2023 में गृहस्थ जीवन त्याग कर आचार्य वसुनंदी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर ब्रह्मचारी व्रत का संकल्प लिया था। आचार्य वसुनंदी जी ने उन्हें साधु जीवन का नाम सहज प्रकाश दिया। ब्रह्मचारी सहज प्रकाश का गृहस्थ जीवन का पूरा परिवार धार्मिक है। इनकी पत्नी, दो बेटे व एक बेटी है, सभी विवाहित हैं। ब्लॉक कठमर में नरेगा श्रमिकों को बैंकों के संबंधित व केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। ब्लॉक की फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी ने बताया कि नरेगा श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, कृषि कार्ड आदि व बैंकों से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई और उन्होंने फ्रॉड से बचने के लिए नए नए तरीकों से बचाव के उपाय आदि के बारे में बताया गया। इस दौरान निहार सिंह मेठ, कुंवर सिंह सहित सैकड़ों महिलाएं पुरुष श्रमिक मौजूद रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लूटपाट, हत्या और महिलाओं का शोषण जैसे जघन्य अत्याचार के विरोध में रामगढ़ में हिंदू संगठनों द्वारा आक्रोश रैली निकाल हिंदुओं की सुरक्षा और रोहिंग्या मुसलमान को देश से बाहर निकालने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्तापलट के साथ वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या, लूट और महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अपहरण जैसे अत्याचार के विरोध में रामगढ़ कस्बे के गोविंदगढ़ मोड़ के समीप अग्रवाल धर्मशाला से एसडीएम कार्यालय तक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा सहित विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा आक्रोश रैली निकाल राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी नीतू करोल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने से पूर्व एसडीएम कार्यालय के बाहर भाजपा नेता जय आहूजा ने रैली में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश सरकार को वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और केंद्र सरकार को भारत में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, अन्यथा एक दिन भारत में ऐसे ही हालात पैदा हो जाएंगे। वरना देश विभाजन के समय बनाए कानून और समझौते के अनुसार यदि पाकिस्तान का वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकता है तो भारत उनके लिए द्वार खोल देगा और उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर भारत में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर निकालें। जय आहूजा के बाद टोडली आश्रम के संत ब्रह्म मुनि ने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद किए जाएं। यदि अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं किए गए तो हिंदू भी हथियार उठा लेंगे। रमन गुलाटी ने कहा कि बांग्लादेश की सेना और जनता अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रही है। रैली के दौरान एडिशनल एसपी मुख्यालय तेज सिंह, डीएसपी ओम प्रकाश विश्नोई, रामगढ़ थाना अधिकारी सवाई सिंह सहित नौगावा, बगड़ तेराया और एमआईए थाना अधिकारी, क्यूआरटी टीम और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान भाजपा नेता जय आहूजा, रमन गुलाटी, संत ब्रह्म मुनि, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, जवाहर तानीजा, नवल शर्मा, किशन सिंह सागर, मास्टर अजीत जैन, जेपी जाटव, सुरेंद्र कालरा, नरेंद्र चौधरी सहित भाजपा के ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग मौजूद रहे। हिंदू समाज ने मिलकर बांग्लादेश में हो रहे इस घटनाओं के विरुद्ध में आज राष्ट्रपति के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और मैं तो केवल इतना सा कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वहां की सेना और पुलिस मिलकर हिंदुओं को चुन चुन कर मार रही है, यह बहुत बड़ी विडंबना की बात है। पूरी दुनिया देख रही है किस प्रकार से यहाँ चीजें बदली हैं और वहाँ पर केवल हिंदुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस मिल रही है आज भारत में छिपे हुए बांग्लादेशियों के लिए और रोहिंग्याओं के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि वहाँ अगर ये घटनाएं नहीं रुकी तो यहाँ ये घटनाएं शुरू हो जाएंगी और पूरे दुनिया में एक हाहाकार मच जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि रुक जाओ, संभल जाओ, हिंदुओं को कोई कमजोर न समझो। हिंदू जब एक होगा और जगेगा तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। अत्याचार हो रहा है,
उनके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। हमारा भारत सरकार से यही आग्रह है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर कुछ एक्शन लें, और यहाँ पे जो ये बसे हुए हैं आने वाले टाइम में रोक दिया, जो मुसलमान है, जो बांग्लादेशी मुसलमान जो हमारे देश में बसे हुए हैं इन पर भी एक्शन ले, इनको भी बाहर निकाले, नहीं तो आने वाले टाइम में ये यहाँ पे भी विद्रोह मचाएंगे, यहाँ पे भी आतंकवाद मचाएंगे जैसे बांग्लादेश में मचा रखा है। तो मेरा तो भारत सरकार से यही अनुरोध है कि जल्दी जितना जल्दी हो सके इनको यहाँ से निकाले, नहीं तो जिस दिन हिंदू भड़क जाएगा। हमारे यहाँ सर्व समाज हिंदू समाज द्वारा रामगढ़ हेडक्वार्टर पे बांग्लादेश विरुद्ध दिनहाड़े हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध प्रदर्शन के लिए हमने रैली निकाली है, पैदल रैली निकाली है, और एसडीएम साहब को राष्ट्रपति जी और भारत सरकार और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन दिया है। हमारा ये कहना है कि आज 21वीं शताब्दी में दिन दहाड़े जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के टुकड़े किए जा रहे हैं, उनके रेप किए जा रहे हैं, मर्डर किए जा रहे हैं, हमारी वहाँ बस्तियाँ जलाई जा रही हैं, और विशेष रूप से दलित समाज को और आदिवासी समाज को, मतुआ और जटिया समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस विषय पे भारत संज्ञान ले, भारत सरकार संज्ञान ले, हिंदू समाज को इसकी बहुत चिंता है, ये गंभीर मानवाधिकार का विषय है, इस मामले में भारत सरकार संज्ञान ले और नेहरू लियाकत संधि के अनुसार इन लोगों को भारत में आने का, भारत में रहने का सभी बांग्लादेशी पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अगर वहाँ व्यवस्था नहीं सुधरती तो भारत सरकार बॉर्डर खोल के इनको भारत में ला के रिसेटल करे, और पूरा हिंदू समाज इस मामले में सहयोग करेगा। और हम सबको उन बच्चियों का श्राप लग रहा है, मैं ये सभी सुनने वालों को कहना चाहूंगा, आप इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकते, बेटियां आपके भी घर में हैं, ये याद रखिएगा, वो भी बेटियां हमारी है, वो भी समाज हमारा है, वो भी परिवार हमारे हैं, उनके लिए हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। और मैं पूरी दुनिया और यूएन को कहना चाहता हूं कि भाई थोड़ी तो शर्म कर लो हिंदुओं की। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिंग स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, 810 लक्ष्मी नगर, अलवर, कॉन्टेक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगावा नगर पालिका में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में श्रावणी पर्व और संस्कृत दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मेधा यवाहा यज्ञ से किया गया। यज्ञ में कक्षा प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय के विद्यार्थियों द्वारा वैदिक मंत्रों से आहुति प्रदान की गई। डॉक्टर रामनिवास यादव ने बताया, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और नकारात्मक प्रभाव समाप्त होता है। उत्कर्ष सोच के मध्य में ही उत्कृष्ट कार्य बन पाते हैं, जो जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। ऊंची सोच के साथ सभी विद्यार्थियों को अधिकतम अंक के साथ उज्जवल भविष्य की कामना की गई। समारोह में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को निपुण भारत के कैलेंडर वितरित किए गए। प्रधानाचार्य श्री नरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा संस्कृत भाषा के आधुनिक युग में उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया गया। संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत किए गए कार्यों की जानकारी प्रभारी मनोज कुमार के द्वारा दी गई। विजेता विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर कल्याण मंत्र से कार्यक्रम का समापन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला शाखा द्वारा कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म हत्या के विरोध में नगली सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया गया। अभिषेक जायसवाल का कहना है कि ममता बनर्जी को शर्म करनी चाहिए कि वह स्वयं एक महिला है, उसके बावजूद भी वह महिलाओं का सम्मान करने से वंचित है। गत दिनों वह संदेश खाली में हुई दुर्घटना पर भी मौन थी और आज इस प्रकार के निर्मम कांड पर भी चुप्पी साधे हुई है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला संयोजक यशदीप शर्मा, छात्र नेता नितिन कंसलीवाल, नमन तिवाड़ी, कुशा कश्यप, नितिन कुमार, मोहित सैनी, हेमंत शर्मा और वैभव शर्मा उपस्थित रहे। 9 अगस्त 8 अगस्त को जो घटना हुई है वो बड़ी निंदनीय घटना है, और जो पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है वो एक तरीके से रेपिस्ट सरकार है। जो ये एक घटना नहीं, पिछले काफी समय से लगातार लंबे समय से घटना चली आ रही है, और अभी तक आज इस पर करीब 10 दिन होने को आ रहे हैं, इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और जो यहाँ पर जो घटनाएं बार बार ये हो रही है, तो इस प्रकार कानूनी प्रतिक्रिया में जो
ढीलापन और जो जागरूक नहीं दिखाया जा रहा है उस चीज़ को सही करे, और टीएमसी सरकार को अभी के अभी ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो हिसाब से यहाँ पर घटना हो रही है, एक महिला नर्स के साथ जिस प्रकार ये हुआ गया है, तो आज कहाँ पर बेटियाँ सुरक्षित हैं, कहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं? इस प्रकार जो घटना है वो बड़ी दुख दिए घटना है, निंदनीय घटना है। तो इस पर मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी इनको फांसी की सजा हो, और एनसीपी इसके लिए हमेशा खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और अगर 20 अगस्त तक उनके कुछ भी नहीं किया गया तो हम आगे भी बड़े कार्यक्रम करेंगे। राजगढ़ कस्बे के एक निजी गार्डन में आयोजित समारोह, जाने माने लेखक एवं साहित्यकार एडवोकेट सुरेंद्र माथुर की पुस्तक पथिक की राह, पुस्तक का विमोचन प्राचार्य के एल मीणा की अध्यक्षता व उपखंड अधिकारी सीमा खेतान के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर भूपेंद्र शर्मा ने कहा कि किसी लेखक के जीवन में पुस्तक का विमोचन एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यह उनकी रचनात्मकता की पराकाष्ठा का उत्सव होता है तथा एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि ये माथुर की दूसरी पुस्तक का विमोचन है, आशा करते हैं कि जल्द ही हमें तीसरी पुस्तक का विमोचन भी देखने को मिलेगा। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे, विमोचन के उपरांत पुस्तक समारोह में भी वितरित की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झजारपुर में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आनंद प्रकाश शर्मा, आनंद बाग एवं अध्यक्ष मान सिंह चौहान रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। विद्यालय प्रधानाचार्य रवि यादव के अनुरोध पर मुख्य अतिथि आनंद प्रकाश शर्मा द्वारा विद्यालय में दैनिक प्रार्थना 25,000 रुपए के कार्यक्रम हेतु साउंड सिस्टम के लिए सहायता राशि प्रदान की गई। विशिष्ट अतिथि भामाशाह गोपीचंद शर्मा, आनंद बाग द्वारा कंप्यूटर लैब के लिए 75,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम में आचार्य अरुणदास महाराज, महंत मंदिर बाबा लालदास महाराज, शहजाद सिंह चौहान, पंचसोनू रजाबत, नरसिंह चौहान, रामनिवास यादव, सुरेश चौहान, रति सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में अलवर जिले में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल पर हैं। आज जिला अस्पताल में संचालित होने वाली ओपीडी में ताले लटके हुए नजर आए। अस्पताल में इमरजेंसी ओपीडी जारी रही। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाल यादव ने बताया कि कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसको लेकर डॉक्टर में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक डॉक्टर के द्वारा हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि आज सुबह 6 से कल सुबह 6 बजे तक डॉक्टरों की हड़ताल पूरे राजस्थान में जारी है। अस्पताल में इमरजेंसी ओपीडी संचालित है, जिससे इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने बताया कि राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मांग की जाएगी। जो डॉक्टर ममिता की जो हत्या की गई, साथ में रेप के बाद में नरसंह हत्या, उसके बाद भी इतना भयानक, वहाँ पे 7,000 लोग आते हैं और पूरे अस्पताल को तहस नहस कर देते हैं। ये बहुत ही दुखद घटनाएं हैं, जहाँ पर महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, वो बहुत ही समाज खतरनाक है। उसके विरोध में आज देशव्यापी IMA हेडक्वार्टर की तरफ से आह्वान था, पूरे देश में चिकित्सक रूटीन ओपीडी द्वारा रूटीन सर्जरियाँ बंद रखेंगे, केवल एमरजेंसी चालू रहेगी कल सुबह 6 बजे तक। इसके तहत मैं सभी चिकित्सक बंधुओं से तो निवेदन कर ही रहा हूँ कि सभी इस पूर्ण सहयोग बंद करें इसको। साथ में मैं आम पब्लिक को भी निवेदन करना चाहता हूँ, स्पेशली महिलाओं को, कि आपकी बहन बेटी हैं ये, उनकी सुरक्षा के लिए हम आगे आ रहे हैं, हम ये कदम उठा रहे हैं, कृपा करके हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये आपकी भी बेटी हो सकती है, आपकी भी बहन हो सकती है, वो किसी भी पेशे में क्यों ना हो। यदि चिकित्सा सबसे टॉपमोस्ट प्रोफेशन है, जहाँ रात दिन काम करती है महिलाएं, वो यदि वहाँ पे अपने वर्किंग प्लेस पे सुरक्षित नहीं है, अपने अस्पताल में यदि सुरक्षित नहीं है, तो हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इसमें पूरे जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो आए, रोड पे उतरे, जैसे निर्भया कांड में आए थे, और लोगों को जागरूक करे कि इस तरह की हवानियत समाज की बर्दाश्त नहीं की जाए। ये सभी प्राइवेट हॉस्पिटल बंद रहेंगे आज? बिल्कुल, सरकारी और प्राइवेट सभी अस्पताल आज पूरी तरह से, केवल एमरजेंसी को छोड़ के पूरी तरह बंद रहेंगे, ना ओपीडी होंगे ना रूटीन सर्जरी होंगे। ये कब तक रहेगी हड़ताल? कल सुबह 6 बजे तक है, उसके बाद आज निर्णय लिया जाएगा, शाम को मीटिंग होगी, उसके बाद कल का निर्णय लिया जाएगा। क्या नाम है सर जिसकी हत्या हुई है और कहाँ की रहने वाली है? डॉक्टर ममिता है, कोलकाता की रहने वाली है, PG स्टूडेंट थी वो, 31 साल उनकी उम्र थी, और रात में 36 घंटे की वो ड्यूटी पर थी, और रात में सेमिनार रूम में उनकी हत्या की गई है। क्या नाम है सर आपको? डॉक्टर विजय पाल यादव,
पूर्व अध्यक्ष आईएमए अलवर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला एवं सेशन न्यायाधीश अलवर हरेंद्र सिंह के निर्देशानुसार केंद्रीय कारागृह अलवर का औचक निरीक्षण किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर मोहनलाल सोनी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुल 942 बंदी निरुद्ध पाए गए, जिनमें से 630 विचाराधीन बंदी एवं 293 सजायाफ्ता बंदी तथा 19 महिला बंदी उपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान मोहनलाल सोनी के द्वारा सर्वप्रथम रसोई घर का निरीक्षण किया गया, बंदियों के लिए तैयार किए गए भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई एवं रसोई घर की सफाई की व्यवस्था देखी गई एवं उसमें सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सोनी द्वारा कारागृह के वार्डों का निरीक्षण कर कारागृह में निरुद्ध बंदियों से वार्ता कर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में नालसा नई दिल्ली द्वारा लागू की गई लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की स्कीम के बारे में विस्तार से बताया गया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष IIT और NEET में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन, फुली AC रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम, इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों, आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस अग्रसेन सर्किल के पास अलवर, मोबाइल नंबर 9887073330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ रात्रि में ड्यूटी के दौरान किए गए रेप और हत्या के जघन्य अपराध के विरोध में देशभर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। रामगढ़ CHC पर भी कार्य बहिष्कार के कारण CHC पर आए मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इमरजेंसी मरीजों को कोई परेशानी न हो इसके लिए जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता के निर्देश पर SDM नीतू करोल द्वारा CHC रामगढ़ का औचक निरीक्षण कर उपस्थिति रजिस्टर की जांच की और CHC में मौजूद इमरजेंसी रोगी और जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती प्रसूताओं से वार्ता कर जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टर विश्वेंद्र सिंह, डॉक्टर प्रदीप सैनी, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। बंगाल में हुआ है केस, इस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट में भी OPD में स्ट्राइक चल रहा है, तो इसी CHC को चेक करने आए। यहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू हैं, जो भी इमरजेंसी आई सबको अटेंड कर रहे हैं, लेबर के जो भी केसेज हैं सबको यहाँ पे डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे अवेलेबल भी हैं। अभी 3 डॉक्टर जो हैं यहाँ पे इस समय इमरजेंसी में यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो यहाँ व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हैं। कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार इसी वजह से CHC में हमने विजिट किया है, ताकि सारी जो व्यवस्थाएं, कोई भी मरीज हैं परेशान ना हो और कोई भी जो है घटनाएं। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम बड़ला में लगातार बारिश के दौर के चलते आज सुबह करीब 3 बजे घर के परिसर में बना कुआं धस गया व पास में ही रखा टेंट का सामान सहित अन्य सामान दब गया, जिसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। सूचना पर पटवारी सविता गुजर व कानून को नारायण मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मौका स्थिति का जायजा लिया। पूर्व सरपंच कजोड़ मीना ने बताया कि रामनारायण मीना के मकान के परिसर में पुराना कुआं था, जो कि बरसात होने के कारण ढह गया। उसके पास में करीब 1 लाख रुपए का टेंट का सामान व मोटर की केबल सहित अन्य सामान दब गया। रामनारायण मीणा के लकवा आने के कारण मजदूरी करने के लायक नहीं, इस वजह से वह धसे हुए कुएं को भरवा सके, इसलिए उन्होंने स्थानीय प्रशासन से उससे भरवाने की मांग की है। कानून को नारायण ने बताया कि बरसात के कारण रामनारायण मीणा के घर के परिसर में बना कुआं धस गया, जिसके लिए खातेदार व सरपंच को भरवाने के लिए पाबंद किया है, ताकि कोई हादसा न हो सके। खातेदार ये रामनारायण पुत्र फूट गया, दास मीणा की खातदारी में कुआ बरसात की वजह से रह गया है, इसमें धनानी उसमें भी सरपंच हुए खातेदारों को पाबंद किया कि इसको भरवाया जाए, कोई आगे कोई घटना न हो सके।
बहरोड़ में अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत जिला शाखा अलवर की मीटिंग की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश मुख्य महासचिव इंद्रेश कुमार लोहेरा ने की। मीटिंग में सामाजिक मुद्दों, शिक्षा, समाज से फैली कुरीतियों, समाज की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी आदि पर वार्ता की गई। बैठक में अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत जिला शाखा अलवर के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें संगठन की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट बबीता रानी दिलीवाल ने प्रदेश मुख्य महासचिव इंद्रेश कुमार लोहेरा के माध्यम से सर्वसम्मति से नियुक्तियां की। गुगन राम खैरालिया को फिर से अलवर जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। साथ में जिला कोटपुतली बहरोड़ व जिला खैरतल तेजारा के जिला अध्यक्ष का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा। त्रिलोक संगेलिया ने बहरोड़ तहसील अध्यक्ष सूबे सिंह झंझोट को मुंडावर तहसील अध्यक्ष, इंद्राज गुगलिया को कोटपुतली तहसील अध्यक्ष, सोमदत्त सारवान को जिला महासचिव और राजेंद्र सारवान को जिला महासचिव अलवर के पद पर नियुक्त किया गया है। टहला थाना परिसर में सीएलजी की मीटिंग का आयोजन राजगढ़ पुलिस उप अधीक्षक मनीषा मीणा की अध्यक्षता में किया गया। टहला थाना अधिकारी ब्रजेश तंवर ने बताया कि आज टहला थाना परिसर में राजगढ़ पुलिस उप अधीक्षक मनीषा मीणा की मौजूदगी में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 21 अगस्त को भारत बंद कार्यक्रम को देखते हुए उपस्थित जन समुदाय से विचार विमर्श किया गया था तथा लोगों से समझाइश की गई, शांतिपूर्ण तरीके से बंद करने एवं अनावश्यक भीड़ का हिस्सा नहीं बनने की अपील की। थानाधिकारी ने क्षेत्र में इस समय बह रहे बरसाती झरनों एवं बहते पानी से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने क्षेत्रीय लोगों से भी अपील की कि बाहर से आने वाले लोगों को इन बहते पानी से दूर रहने को लेकर समझाइश करें। पंचायत समिति सदस्य राकेश खंडेलवाल ने राजगढ़ सड़क मार्ग पर घाट की घाटी में सड़क मार्ग पर आ रहे कटावों से सुरक्षा दीवार कमजोर होने की वजह से कभी भी गिरने की संभावना से अवगत कराया। उन्होंने शीघ्र कटाव भरकर सुरक्षा दीवारों की मरम्मत करवाने, संकेतक बोर्ड लगाने, टहला अस्पताल एवं स्कूल के बाहर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की है। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने पर कैबिनेट मंत्री व जिला कलेक्टर ने सहायक औषधि निरीक्षक जितेंद्र मीणा को सम्मानित किया है। जिला स्तरीय समारोह में जिला औषधि निरीक्षक जितेंद्र मीणा को वन मंत्री संजय शर्मा व जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने सम्मानित किया। सहायक औषधि निरीक्षक ने नशीली दवाओं के अवैध बिक्री व दुरुपयोग को रोकने हेतु निष्पक्ष कार्रवाई की। पानी में डूबने से 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर टहला थानाधिकारी ब्रजेश सिंह तंवर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंच मृतक खारीबास की बावड़ी बांसूर निवासी संदीप पुत्र मदनलाल जाट के शव को ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकलवाया। शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए टहला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। गोविंदगढ़ क्षेत्र में 68वीं ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ आज झारेड़ा गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हुआ। यह प्रतियोगिता 16 से 17 अगस्त को आयोजित की जा रही है, जहां स्कूली बच्चों में खेलों का रोमांच देखने को मिला। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में यहां पर कबड्डी, खो खो, रिले दौड़, जिम्नास्टिक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 250 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय स्तर के इस कार्यक्रम में केवल सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राएं ही नजर आ रहे थे, लेकिन इस प्रतियोगिता में निजी विद्यालयों में एक भी छात्र छात्राओं का भाग नहीं लेना आश्चर्य पैदा कर रहा था। हेल्प फॉर नेचर फाउंडेशन एवं अलवर जिला युवा ब्राह्मण सभा के तत्वावधान में अपनी मुहिम ग्रीन अलवर के आगे बढ़ाते हुए गुरुवार को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ब्राह्मण छात्रावास के पास खेल ग्राउंड में शहीदों की याद में एवं उनके सम्मान में 21 पौधे लगाए गए। हेल्प फॉर नेचर फाउंडेशन के संयोजक पवन शर्मा ने बताया कि संगठन के द्वारा भारत की आजादी एवं शहीद सैनिकों की याद में एवं उनके सम्मान में गुरुवार को पौधारोपण किया गया, जिसमें आम, अमरूद, कदम्ब, सागवान, जामुन, नीम, आंवला आदि के 21 फलदार पौधे लगाए गए एवं भविष्य में भी इसी तरीके से पौधे लगाए जाएंगे और उनको पाल पोस कर बड़ा किया जाएगा। संगठन के द्वारा पूरे शहर में लगातार अलग अलग जगहों पर पौधारोपण किया जा रहा है। पंडित विवेकानंद शर्मा ने बताया कि इसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस पर शहीद भगत सिंह स्मारक पर भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त अफसर मनीष शर्मा के हाथों से 501 दीपक प्रज्वलित करवाकर आजादी का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में पवन शर्मा संगठन संयोजक, पंडित विवेकानंद शर्मा अध्यक्ष, अलवर जिला युवा ब्राह्मण सभा, मनीष शर्मा, रुद्रराज, नरेंद्र सोनी, सत्यनारायण, रिक्की टुंगड़ा, रतनदीप भारद्वाज, कोयल, प्रमोद मित्तल, रेखा सैनी, सचिन सैनी, एलिस सैनी, दीपक शर्मा, उमेश कुमावत, लवि शर्मा, सुनील कुमार, पल्लवी राजपूत, गजेंद्र, सुनील प्रजापत, हेमंत शर्मा, रेशम माताजी, गौरव शर्मा, अश्विनी ज्वाली, साहिल शर्मा, अमित शर्मा, सुनील शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे।
खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th एंड टारगेट बैच न्यू बैच स्टार्ट IIT नीट CA 6th to 12th क्लास फाउंडेशन ह्यूमैनिटीज विद IAS क्लैट प्रोग्राम स्कॉलरशिप अप टू 90%। CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयकृष्ण क्लब अलवर ने 15 अगस्त 2024 को क्लब में स्वतंत्रता दिवस उत्साह पूर्वक मनाया। सचिव के अग्रवाल ने बताया कि आज के दिन हमें ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, इस आजादी के लिए हमारे देश के वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिसके लिए हम सब उन शहीदों को शत शत नमन करते हैं। के अग्रवाल ने बताया कि जयकृष्ण क्लब के कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा कुल 151 पौधों का पौधारोपण जयकृष्ण क्लब अलवर के परिसर में किया गया, साथ ही सचिव ने सभी से पौधे लगाने का निवेदन किया। कार्यक्रम में मंच का संचालन डॉक्टर राकेश गुप्ता ने किया। इस दौरान क्लब उपाध्यक्ष अनुराग जसूजा, संयुक्त सचिव संजय मोदी, यशवीर मलिक, अनिल चौधरी, अनुराग जैन, GP गर्ग, निर्मल मोदी एवं क्लब के अन्य सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। शिक्षकों की 3 दिवसीय FLN ट्रेनिंग इब्तिदा संदर्भ केंद्र नौगांवा पर आयोजित की जा रही है। ट्रेनिंग की तिथियों में फेरबदल के लिए राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ रामगढ़ की तरफ से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षण संघ के ब्लॉक अध्यक्ष केसरी सिंह ने बताया कि FLN प्रथम चरण की ट्रेनिंग अगस्त से 18 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। 18 अगस्त को रविवार है तथा 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। दूर दराज से आने वाले महिला एवं पुरुष शिक्षक ट्रेनिंग के कारण समय पर अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे, जबकि रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदुओं का सबसे बड़ा पवित्र त्यौहार है। इस समस्या के मद्देनजर रामगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ट्रेनिंग की तिथि में बदलाव के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रावण देहरा में 78वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता रिटायर्ड प्रोफेसर एवं पर्यावरणविद MPS चंद्रावत ने की। उन्होंने समझाया कि जाति और धर्म में विभाजित होने से समाज और देश का नुकसान होता है। मुख्य वक्ता के रूप में दिशा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष इंजीनियर नवीन जायसवाल ने बताया कि यह देश हम सबका है, अगर समाज और देश में कुछ गलत होता दिखे तो उसके खिलाफ प्रत्येक व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए, पहल जरूर करें। मुख्य अतिथि रामनिवास शर्मा एवं विशिष्ट अतिथियों में विजय जैन, रोशन सिंह सिखावत ने स्वतंत्रता दिवस की महत्व को समझाया। मंच संचालन योगेश शर्मा ने किया। शिक्षिका तीजा मीणा, कमलेश, संतोष कुमार एवं अभिभावक भी उपस्थित रहे। इस स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में बनाने में प्रोफेसर MPS चंद्रावत का काफी योगदान रहा है। अंत में स्कूल प्रधानाचार्य संजय सिंह ने सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया। और खबरों में बस इतना ही, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।